समोसा किसे नहीं पसंद है, समोसे की सब्जी भी लोगों को पसंद आएगी। समय न गवाते हुए चलिए सीखते हैं सब्जी बनाना। चटपटी और लजीज सी समोसेदार आलू की सब्जी। हम यहाँ पे जीरे को गरम कर लेंगे। अगर आपके पास लॉकडाउन में सरसों ना ख़त्म हुई हो तो आप सरसों के दाने और मेथी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा और धनिया डाला है क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसको डाल रही हूँ। आप इसमें सरसों के दाने भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से चटक जाने दीजिएगा, लाल हो जाने दीजिएगा। बहुत से लोग मेथी खाना पसंद करते हैं लेकिन मैं किसी किसी चीज़ में मेथी खाना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, जबकि इस सब्ज़ी में तो बिल्कुल नहीं। ये मैंने धनिया के कुछ दाने डाले हैं, अब हम इसमें राई के दाने डाल रहे हैं कुछ। मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से चटक जाने देते हैं। समोसा खाना किसे नहीं पसंद है, तो लॉकडाउन में यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी है कि हम समोसा बनाएं कैसे। तो समोसा ना बना के आप उसकी चटपटी सी सब्जी का जो राज है ना वो जान सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम जो बना रहे हैं ना उस सब्जी के बारे में जान रहे हैं कि सब्जी बनाई कैसे जाती है। अब हम जो आलू कटे हुए हैं ना उसे इसमें ऐड करेंगे। ये हम इसे फ्राई करेंगे हल्का फुल्का लाल करते हुए। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते तो ज़्यादा देर चलाते हुए इसको ऊपर नीचे करते हुए चलाते हुए लाल कर लीजिएगा तो ये चटक लाल हो जाएगी। लेकिन हम इसे यहाँ पे कम लाल रखेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इस समोसा सब्जी में बनाने के लिए जो हमने तेल यूज़ किया है वो सरसों का यूज़ किया है और इसे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। ये वीडियो मैंने फास्ट करके बनाई है क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक इसे चलाना रहता है, बीच बीच में लगे ना, इसलिए आप इसे कंटिन्यू बीच बीच में चलाते रहिएगा। और इसकी आंच जो है ना गैस की वो हमें तेज़ रखनी होगी, इसे हमें तेज़ आंच पे ही पकाना होगा। जब ये हमारा 90% से लेकर 95% तक आलू गल नहीं जाता तब तक ही हम मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने इसको चम्मच के सहारे जो अभी आपने देखा ना वो काट के देखा था कि ये गला कि नहीं गला। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये मेरा धनिया पाउडर, गरम मसाला। ये मसाला जो अभी मैं डाल रही हूँ ये मैंने इसमें छोला मसाला और आपका चना मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, इसी तरह से इसमें मैंने मीट मसाला भी यूज़ किया है। ये मतलब इसमें तीन मसाले जो है एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको चना मसाला, छोला मसाला और एक हमारा मीट मसाला। इसमें मैं टमाटर का यूज़ तो कर नहीं रही हूँ और आपने ज़्यादा तो देखा ही होगा खट्टापन हल्का सा लाने के लिए बहुत से लोग नींबू और खटाई का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा मसाला लगने लगा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आप की कढ़ाई में ना लगे तो पानी मत डालिएगा।
वो भी ज़्यादा नहीं, आधे कप से भी कम पानी डाला मैंने। देखिए आलू कितने बेहतरीन तरीके से हमारे हो गए हैं। आप देख लीजिए अभी इन मसालों को थोड़ी देर धीमी आंच पे पकने दें। हमारे आलू पहले ही गल चुके थे, खाली हमने यहाँ पे मसाले जब डाले हैं थोड़ा सा पानी छिड़का है क्योंकि ये लग रहा था सूखा होने की वजह से। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप हल्का पानी छिड़क लीजिएगा, वरना इसे ऐसे ही रहन दीजिएगा। और इसे हमें ढक के नहीं पकाना है, ढकने से हमारे आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और ये उस तरीके की सब्ज़ी नहीं बनेगी जैसा हम चाह रहे हैं। ये धीरे आंच पे देखिए तेल जो है कहीं कहीं पे हमें उसके छोटे छोटे बुलबुले नज़र आ रहे होंगे, ये बीच बीच में चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। ऐसे करने से मसाला खूब अच्छी तरीके से हमारा पक जाएगा। और आपको पता ही है कि टमाटर नहीं यूज़ होता है समोसे की सब्ज़ी में, तो यहाँ पे आप टमाटर का यूज़ ना करके नींबू, जैसे मैंने पहले बताया, नींबू या चाट या खटाई कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। ये देखिए मैंने खूब बढ़िया तरीके से इसमें अपनी महीन कटी हुई धनिया डाल दी है। अगर आप इसमें कुछ पीनट्स या बादाम, मटर के दाने ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं खट्टापन लाने के लिए इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ ऊपर से सब्ज़ी हो जाने के बाद। एक चम्मच तक मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिलेगी, खाने की नहीं बहुत चीज़ों की भी है जो आपके काम आ सकती है, तो इसलिए प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी।